यूपी के रामपुर में एक किसान फूट फूट कर सिर्फ इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है। वो अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है, पर लचीला प्रशासन उसको सिर्फ आश्वासन देकर ही टाल देता है। उधर ग्राम प्रधान किसान की जमीन पर अवैध निर्माण करा रहा है। किसान का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह जमीन उसके माँ के नाम पर दर्ज थी जो उसके नाम आ गई। किसान का नाम खसरा खतौनी से लेकर और भी साक्ष्य मौजूद है, पर प्रधान उसकी जमीन पर कब्जा किए है और प्रशासन उसकी सुन ही नहीं रहे। अब उसने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या मामला हुआ आपके साथ? साहब हमारी जमीन है यहाँ पे पट्टे की, हमें 20 साल तो जोत रहे हैं, हमारी माँ के नाम से हमारे नाम आई हुई है और गरीब आदमी है हम साहब। हम तक ये स्कूल है और के पास में है और तेजेंद्र सिंह प्रधान है साहब, ये अब ये कब्जा बनाना चाह रहे हैं कुछ। अच्छा, तो मुझे तो न्याय चाहिए साहब। तहसील के चक्कर लगाते लगाते हम परेशान हैं और कोई हमारे सुनती नहीं। लेखपाल है और कानिको साहब भी गए थे, वो गांव में को हमें बता देते हैं कि तुम्हारी तो गांव में है, इसे छोड़ो और कि इस पर हम निर्वाण करेंगे उसका स्कूल का, और ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी तो गांव में, गांव में बारह सौ लो साहब। मैं तो मीडिया वालों को बुलाया, मैंने बताया मेरे को न्याय दिलवा दो साहब हमें, और यही मेरी इच्छा है साहब। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हम पैसे ला गरीब आदमी हूँ।